तो ऐसा निवेदन कि आप हमें आदेश फरमाए, आज चैत्री पूनम के दिन, इस महामहत्व के दिन, श्री संघ जो सकल श्री संघ अपने पैरों पे कोई बैठा नहीं, सभी खड़े होकर के गुरुदेव गुरुदेव संघ की ओर देखो ना, सकल संघ खड़ा हुआ है, खड़ा ही रहेगा। और एक भजन के रूप में बाबी आदेश सुना दो, पूरा हिंदुस्तान से फोन आ रहा है, नरपत जी परेशान सांचोर वालों से, मैं परेशान बड़ौदी वालों से, राजू परेशान लोहावट वालों से, है ना, ऐसा पूरे लोग परेशान हो रहे हैं। और ये बीकानेर वाले भी हैं हमारे पास नरेंद्र भैया, आपके सबके भावना को देखते हुए द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आधार रखते हुए आगामी 2023 का चातुर्मास शत्रुंजय महातीर्थ में आराधना साधना के साथ संपन्न हो, ऐसी हम भावना रखते हैं। होना चाहिए आचार्य भगवंत का विशेष एक भाव था कि इस वर्ष जितने भी साधु साध्वी है गुरु भगवंतों की पावन स्थान में सास्वती में योगोद्वन संपन्न करना है, पर पूरे अखिल भारतीय श्रावकों का आग्रह कह दो, आत्मीय निवेदन कह दो, भाव भरी विनती कह दो, सबका एक निवेदन है कि संघ संघ चौमासा होना जरूरी है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यानते हुए आचार्य भगवंत ने आज प्रातःकाल ये निर्णय और ये भाव रखा है कि संघ यदि जिम्मेदारी संभालता है और आराधक वर्ग तब त्याग के साथ आराधना करते हैं तो सत्संग चौमासा करने की हम भावना रखते हैं। कन्हू भैया, गुरुदेव ने बोला कि हम चौमासा का भावना रखते हैं, लेकिन सकल संघ ट्रस्ट मंडल पूरी जवाबदारी लेता है कि अच्छे से व्यवस्था होगी, साथ साथ जो भी तपस्वी होंगे उन्हें पूर्ण रूप से तपस्या के निमित्त पाली तना में झोला लेके घूमने नहीं जाना है, एक चुंदरी ले आए, एक ओढ़नी ले आए, एक बैग ले आए, नहीं, क्या करो 12 जनवरी के बाद क्या करना है, आराधना आराधना आराधना, एक टाइम का एकासना, विशेष रूप से तबियत तबियत कुछ गड़बड़ होगी और डॉक्टर बोल देगा कि इनको दवाई लेना है तो व्यवस्था बाद में देखेंगे, लेकिन जो भी फॉर्म भरे और भरावे वो इस बात का ध्यान रखें कि हमें एकासने की तपस्या के साथ प्रतिदिन आचार्य भगवंत के साथ गाजे बाजे के साथ बैंड बगी के साथ नाचते देवाधिदेव परमात्मा आदिनाथ की उस जय तलेटी के दर्शन करने सवेरे चलेंगे, कितना सुंदर दृश्य होगा इसकी कल्पना तो आप करेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो ऐसा गुरुदेव नरेंद्र भैया अध्यक्ष महोदय खतरव सही कन्नू भैया हम सब मिलके पौला जी खड़े हो राजू भैया हम सब गुरुदेव को ये आश्वासन तो नहीं लेकिन पूरा विश्वास दिलाते हैं कि चतुर्मास में किसी भी प्रकार की कोई कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी।